अपने जीवन का बहुत सा समय हम अपने गोल्स को अचीव करने का प्लान बनाने में खर्च करते हैं और बाकी बचा खुचा समय हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी मेहनत सफल हो भी जाती है तो जो हमारा एंड रिजल्ट है वो मैक्सिमम उतना ही अच्छा होगा ना जितना अच्छा हमारा गोल था, और हम गोल सेटिंग में तो समय खर्च करते नहीं। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन हमारे दिमाग में आता है कि भाई मुझे वेकेशन लेनी है, हम एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच के हमें समझ नहीं आता करें क्या, हम लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे करने को क्या है, जबकि मुझे अगर पता है कि भाई मैं बहुत बोर हो रहा हूँ लाइफ में और मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए या लाइफ टू मच हो रखी है, मुझे कुछ रिलैक्स करने के लिए चाहिए, तो उसी अनुसार एक एक्टिविटी और डेस्टिनेशन हमारे गोल का हिस्सा होना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लाइफ में किसी को प्यार करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमें शादी करनी होती है। अगर हमें प्यार करने के लिए कोई मिल भी जाता है, हमारी शादी हो भी जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि यार इसमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें कंपेनियनशिप नहीं है, इस शादी में तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही। पर ये सब तो कभी आपके गोल का हिस्सा था ही नहीं ना, क्योंकि कभी आपने कहा नहीं कि भाई मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कोई सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग कंपेनियन चाहिए। और यही बात लाइफ की और चीज़ों पे भी अप्लाई करती है। हम कहते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना है, हमें इंजीनियर बनना है, और हम जब इंजीनियर बन जाते हैं, हम पैसा कमा लेते हैं, तो लाइफ में कुछ हम मिसिंग सा पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें इंजीनियर क्यों बनना है, हमें पैसा क्यों कमाना है। तो मुझे लगता है हमें कुछ समय लाइफ में गोल सेटिंग पर खर्च करना चाहिए, और वो तभी होगा कि अगर हम समझेंगे कि लाइफ का हर गोल एक लार्जर गोल की सर्विस में होता है, और लाइफ का जो लार्जेस्ट गोल है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं उसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम अपने गोल को प्राप्त कर भी लेते हैं तब भी हम खुद को खोया हुआ ही पाएंगे।